नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों की। फतेहपुर में युवक ने युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने के बाद जबरन निकाह कराया जा रहा था। मां की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक और निकाह करा रहे मौलवी को गिरफ्तार कर लिया और तहरीर के आधार पर 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिले के असौथर थाना क्षेत्र के सातो गांव का रहने वाला युवक अंसारी अहमद 8 महीने पहले जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली 18 साल की युवती का अपहरण कर ले गया था और उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन गांव में ही निकाह करा रहा था। बेटी की सूचना पर गांव पहुंची मां ने निकाह रोकने की कोशिश की तो युवक के परिजनों ने हंगामा करते हुए मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई, आरोपी युवक और मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फतेहपुर का ही पूरा मामला है जहाँ पर युवती का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, साथ ही साथ उसका निकाह भी कराया जा रहा था। वहीं पीड़ित मां पहुंची है जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। तो फतेहपुर में युवक ने युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराने के बाद जबरन निकाह कराया जा रहा, मां की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को और निकाह करा रहे मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर के आधार पर 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के असौथर थाना क्षेत्र के सातो गाँव का ये पूरा मामला। एक हिंदू लड़की को बहका फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अहमद अंसारी द्वारा निकाह कराने का प्रयास किया जा रहा था। मां की शिकायत पर उसे धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया है तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी बबलू सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बबलू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने दिनों से ये युवती लापता थी जिसका अपहरण किया गया था और क्या पहले भी शिकायत की गई थी? जी, मैं बता दूं सुमन जी की फतेहपुर जिले का पूरा मामला है जहां पे 8 माह पहले सूचना दी गई थी कि हमारी बेटी अगवा की गई है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी और खोजबीन के बाद पता चला असौथर थाना क्षेत्र के सातों गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंचकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें से 2 मौके 6 भाग खड़े थे और 2 पर कार्रवाई की गई है, मौलवी और दूल्हा अंसारी के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन बबलू जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, वो 10 लोग कौन कौन है, क्या उस युवक का परिवार है या दूसरे लोग हैं? ये युवक का पूरा परिवार है जिसमें जबरन 8 लोगों युवती का निकाह कराया जा रहा था। ये हिंदू धर्म की महिला है, गुप्ता परिवार से, और जबरन इसका निकाह करवाया जा, बेटी की सूचना पर पुलिस ने इसके कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। ये परिवार के उससे अंसारी के परिवार में मौलवी लल्लू और नौसाद अली, दिलसाद अली, भाभी सोनी, बानो यासीन के इनके सभीयों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और जेल भेजने की पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। ठीक है बबलू, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फतेहपुर का एक पूरा मामला है जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन युवती का कराया गया, साथ ही साथ उसका निकाह भी कराया जा रहा था, लेकिन पीड़ित मां मौके पर पहुंची है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उस युवक और मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जालौन में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया जिसमें ग्राम प्रधान ने पंचायत सहायक से किसी बात को लेकर अभद्रता कर दी। इसी बात को लेकर आक्रोशित पंचायत सहायक दर्जन भर की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने ग्राम प्रधान की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पूरा मामला उरई तहसील के ग्राम धरगुआ का है जहाँ पर तैनात महिला पंचायत सहायक ने ग्राम प्रधान पर अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर पंचायत सहायक अपने दर्जन भर महिला साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत जिलाधिकारी को शिकायती पत्र के माध्यम से की। जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में पंचायत सहायक रूबी राजपूत ने बताया कि वो ग्राम धरगुआ में पंचायत सहायक के रूप में तैनात है। जहां वो पंचायत भवन पहुंची तो ग्राम प्रधान राम सिंह राजपूत ने पंचायत भवन में ताला जड़ दिया जिसका उसने विरोध किया, तो ग्राम प्रधान ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की और पंचायत कार्यालय से भगा दिया। इस मामले में जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कल टांगल लगना था तो मैडम का फोन आया था, सचिव मैडम का, तो बोली रूबी तुम टांगल लगवा लेनी दोगी कि नहीं, तो हमने कहा किससे, तो बोली कपिल से। हमने कहा अगर कपिल से लगवाओगी तो हम सीख नहीं पाएंगे,
यदि पंचायत साहब से लगवाओगी तो हम सीख जाएंगे। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम पंचायत साहब से लगवा देंगे। तो उसके बाद प्रधान जी हमारे घर पे आए, मैं गाड़ी गलवच दी, बोले चाबी दे दे, तेरे बाप की चाबी है का कब्जा जमा पंचायत घर में। सर हमको धक्का मार दिया और मारने की धमकी दी जान से। प्रधान का नाम क्या है? श्री राम सिंह राजपूत, ग्राम धरगुआ। किस गाँव के प्रधान है? ग्राम धरगुआ। अच्छा, को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की खाद बीज बिजली समस्या का निस्तारण किया जाए। किसानों के खेत पलेवा के लिए तैयार खाद नहीं मिल पा रही है, निरंतर बिजली कटौती की समस्या से परेशान है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो रोड पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। अशोक प्लांट में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के खाद और बिजली, प्रमुख रूप से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। बबेरू में अभी लाठी चार्ज किया गया है, हमारे किसान दो दो बोरी छोटे छोटे काश्तकारों को खाद नहीं मिल पा रही, बड़ी परेशानी है। इसलिए हम लोग बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेतृत्व में आज बांदा अशोक प्लांट में सब लोग इकट्ठा हुए हैं किसान साथी, और बांदा अशोक प्लांट में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे। हम लोग माननीय मंडलायुक्त कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करेंगे। जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक हम लोग रोड में बैठे रहेंगे। बस्ती जिले में तीन दिनों से लगातार वाणिज्य कर को तीन दुकानों पर छापेमारी करते हुए देखा जा रहा है। जीएसटी टीम की छापेमारी से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सभी प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा है। छापेमारी के डर से ज्यादातर व्यापारियों ने दुकानों पर ताला लगा दिया। छापेमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य बाजारों में देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार छापेमारी से व्यापारियों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जगदीश अग्रहरी के नेतृत्व में व्यापारियों ने पैदल मार्च निकालकर छापेमारी को रोकने की मांग की। उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने डीएम कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन देकर तत्काल व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने की मांग की है। उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जगदीश अग्रहरी ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा जो तीन दिन से छापेमारी का अभियान चलाया गया है उससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी तत्काल बंद होनी चाहिए, अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारा समाज 70% टैक्स देता है देश को चलाने के लिए, कल तक अगर मामले का निस्तारण नहीं होगा तो हम लोग अपनी रणनीति बनाकर बस्ती को बंद कराएंगे। जीएसटी वाणिज्य कर विभाग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है दुकानों की जांच का, इसके खिलाफ पूरे जनपद में तीन दिन से एक हाहाकार का माहौल है। व्यापारी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, हमारे व्यापारी समाज का शोषण हो रहा है। उसी के खिलाफ आज पूरे जनपद के हमारे व्यापार संगठन के लोग हमारे साथ एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से, हमने जिला अधिकारी के अनुपस्थिति में एसडीएम सदर को दिया है और हम ये चाहते हैं कि छापामारी अभियान बन रहे। इस छापा पे ये जो अभियान चल रहा है इसमें अधिकारी लोग जा कर के व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनसे अवैध वसूली की भी शिकायत मिल रही है। तो इस अभियान को हम पूर्णतः बंद कराने की मांग करते हैं। बुलंदशहर में प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान का व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारी और प्रशासन के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई नोकझोंक, व्यापारियों ने एसपी अनुकृति शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर व्यापारियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन अतिक्रमण हटवाया है और अभियान ही तेजी के साथ चल रहा है जिसको लेकर व्यापारी नाराज हैं। अभियान का व्यापारी लगातार विरोध जता रहे हैं। व्यापारी और प्रशासन के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर तीखी नोकझोंक भी नजर आई। वहीं बुलंदशहर के बिजली विभाग में व्याप्त करप्शन को लेकर बिजली कर्मचारियों ने अर्धनग होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। एम्प्लाई यूनियन की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। पिछले 5 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली विभाग में करप्शन के चलते विभाग को घाटा हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है जिसकी वजह से कर्मचारी बेहद परेशान है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज ने भिक्षा पड़ाव यात्रा शुरू की है। सहारनपुर के ग्राम खतौली में 11 दिसंबर को भिक्षा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में 11 दिसंबर को सहारनपुर के खतौली गांव में हजारों लोग जुड़ेंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। सनातन धर्म को एक करने और देवबंद का नाम देववृंद किए जाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। गोरखपुर पुलिस ने ऐसे शातिर गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो लूट और छिनौती की कई घटनाओं में शामिल थे। 4 तारीख को इन लोगों ने जेल तिराहा, महुआ तिराहा, संगम चौराहा, फातिमा हॉस्पिटल के सामने, मोहनापुर मोड़ और पिपराइश रोड पर ताबड़तोड़ कई घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी मचा दी थी और बड़े आराम से फरार हो गए। इस घटना में इन लोगों ने महिलाओं के बैग छीन लिए थे, जिसमें मोबाइल फोन, रुपए, घर की चाबी और अन्य जरूरी सामान थे। शाहपुर पुलिस ने घटनाओं के बाद 4 मुकदमे दर्ज किए और पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने पक्का कुआं पेपराइस रोड से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जो इन घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, नगदी और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। छिनैती की घटनाएं हुई थी, जिसमें पर्स छिनैती एवं मोबाइल स्नेचिंग सामने आई थी। उसके आधार पर थाना शाहपुर पर 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, विभिन्न वादियों की तहरीर के आधार पर। बाद में BTS कैमरे, त्रिनेत्र कैमरा, सर्विलांस और पतारसी सरागरसी के आधार पर इन्होंने आज उग्रसेन और रामवचन नाम के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उन लुटेरों के कब्जे से 10 अदद मोबाइल, 1 पिस्टल और 2 घटनाओं के अंदर छीने गए मोबाइल, पर्स और बच्चों के कपड़े एवं एक महिला जो घायल हो गई थी उससे संबंधित जितना भी माल है वो सब बरामद हुआ है। उसके साथ साथ पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये अकेले नहीं थे मोटरसाइकिल पर, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया, अपाचे को। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इनकी ये अकेले नहीं थे, इनके साथ साथ हरदोई के मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में कहने को तो दवा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वितरण काउंटर पर मरीजों के हाथ में आने वाली दवा की पोल खुल रही है और मरीज भी पूरी दवा न मिलने से परेशान हैं। हालात तब हैं जब यहां डिप्टी CM का जिला है और यहां वो निरीक्षक कर आवश्यक निर्देश भी दे चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हरदोई से, जहाँ पर मरीजों को प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। जिला अस्पताल में दवाओं की कमी के चलते मरीजों के तीमारदारों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज से संबंधित जिला अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत जब सामने आती है तो पता चलता है कि काउंटर पर जब मरीज के तीमारदार पहुंचते हैं दवा लेने के लिए, तो वहां पर उन्हें वो दवा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। ये हालात तब हैं जब ये डिप्टी CM का ज़िला है और यहाँ वो निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी बहुत पहले दे चुके हैं। भैया आप कहते हैं कि नहीं है तो मैं कहता हूँ हाँ, अभी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। मैं ड्रग वेयर हाउस से जो दवाइयाँ आती है, जितनी भी दवा हमें शासन से इस साल में कितना बजट आया होगा? 10 लाख रुपए प्रिंसिपल के नाम आया है। उससे कुछ खरीद हुई होगी? तो वो नहीं खरीदा नहीं है प्रिंसिपल ने, वो ड्रग वेयर हाउस को ट्रांसफर कर दिया। तो वो पैसा जो है ड्रग वेयर हाउस ले करके 20,000 की गया, जो 9,75,000 हो गया, इस तरह का हो रहा है। पैसा भी शासन का है, दवाई भी शासन की है, सब शासन अपने स्तर पे ही उसको मैनेज करेगा। शासन की व्यवस्था ठीक नहीं होता? नहीं, व्यवस्था है ठीक, व्यवस्था शासन जो पैसा दिए है, जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन जवाबदेही किसी तय नहीं। जवाबदेही हमारे पास पैसा नहीं है, दवा खरीदने का कोई पैसा नहीं है। आप लोग किस लिए यहाँ पे आए थे? अरे इलाज कराने आए थे कि चलो सरकारी में इलाज हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो इसीलिए माता जी को लेके आए थे। नरकसी में दिक्कत थी और वहाँ से पर्चा बना दिया, कहीं वहाँ दवा लो जाके, वहाँ भी गए, 1-5 गोली भी दे दी और कुछ बताया भी नहीं। कितनी दवाई लिखी थी? लिखी है, मैं तो पढ़ी नहीं, लिखी है सो इसमें पर्चे में है। दवा व्यवस्था तो सर गलत है यहाँ की, जो दवा यहाँ मुझे लिखी गई, यहाँ लेने आए तो मुझे बताया गया 3 नंबर में जाइए। जब 3 नंबर में लेने गया हूँ तो आप फिर कह रहे हैं बाहर जाइए लेने, तो मैं बाहर लेने जा रहा हूँ।
स्वास्थ्य मंत्री के दौरे का जिला अस्पतालों पर कितना असर पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे तो पता नहीं, यहाँ तो कोई फर्क नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पहले की अपेक्षा अस्पतालों में अब अच्छी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही? और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, हरदोई का जिला अस्पताल और यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं तीमारदारों को अपने मरीजों के लिए, क्या कहना है स्वास्थ्य विभाग का, आखिर क्यों दवाइयाँ नहीं है अस्पताल में? जी, ये पूरा मामला हरदोई मेडिकल कॉलेज से अधीन जिला अस्पताल का है। यहाँ जबकि कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दौरा भी किया था और यहाँ निर्देश भी दिए थे, उसके बाद भी यहाँ जो मरीजों को है दवा नहीं मिल रही है, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं। जिम्मेदारों का कहना है जितनी दवाई आती है उतनी ही वितरित करते हैं। जी आसिफ, लेकिन शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अगर हरदोई की हम बात करें तो हरदोई जो है वो डिप्टी सीएम का जिला है और वो निरीक्षण भी कर चुके हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा इतना लचर है। जी आपको बता दूं, यहाँ जबकि दो मंत्री और भी हैं हरदोई जिले में, उसके बाद भी स्थिति इतनी खराब है कि मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, दवाएं मिलती नहीं है, अन्य भी जो है गंदगी और भी बहुत सी चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। इससे पहले जब ये जिला अस्पताल हुआ करता था तब ये ठीक हालत थे इसके, जब से ये मेडिकल कॉलेज के अधीन हुआ है तो इसकी स्थिति बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। ठीक है आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सिद्धार्थनगर जिले में कई दिनों से सेल टैक्स विभाग की छापेमारी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वहीं छापेमारी से बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है, लोगों को सामान खरीदारी करने के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो व्यापारी प्रदर्शन कर जिम्मेदारों पर अवैध पैसा मांगने का भी आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बासी कस्बे में करीब 5 दिनों से सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी जीएसटी पेपर सहित कई कागजों को दिखाने के लिए दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं, जिससे दुकान बंद नजर आ रही है। व्यापारी अधिकारियों पर अवैध पैसा मांगने का भी आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। शाम को सेल टैक्स विभाग के अधिकारी द्वारा बासी नगर पालिका के नरकटहा में चमन एजेंसी के घर पर सेल टैक्स विभाग के अधिकारी द्वारा छापेमारी की गई, जहां पर एक बोर्ड भी नहीं लगा था। हालांकि अगर माना जाए तो ये छापेमारी सिर्फ एक दिखावा था, अधिकारी अपनी जेब को भरने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगातार लगाया जा रहा है। और मुख्यालय के निर्देश पर जो है इस फर्म की जांच की गई और ये जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जांच थी। फर्म जो है ठेकेदारी का काम किया जाता है और जांच की कार्रवाई शासन के निर्देश से लिखा गया है और आप स्वयं उपस्थित थे और सारे लोग भी उपस्थित थे, गवाह भी सामने खड़े हैं, आपके साथ ही खड़े हैं, जितने लोग थे सारे लोग बाहर थे, आप लोग बंद कमरे में थे। लिखा गया है सारी चीजें आपके सामने ही जो है की गई है और आप सामने उपस्थित हैं, सारी चीजें आपके सामने खड़े हुए हैं और गवाह भी उपस्थित हैं, इतने लोग भी उपस्थित हैं। सामान्य सी कार्रवाई है, कुछ कार्रवाई गोपनीय होती है, व्यापार की गोपनीयता है और उसको सबको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि फर्क की कंपटीशन का जमाना है, बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं ये जो है संबंध में स्वास्थ्य विभाग के एक्स टेक्नीशियन का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। बीच सड़क पर गाड़ी लगाकर ड्रामा करने वाले एक्स टेक्नीशियन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीएससी प्रभारी ने इस मामले में आरोपी एक्स टेक्नीशियन के खिलाफ सीएमओ को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। ये जानकारी में आया है मामला, आज सुबह 11 बजे के आसपास का ये मसला है। तो ये एक्सरे टेक्नीशियन है, अजय पाल नाम से हमारे यहाँ पोस्टेड, तो पता चला कि ये हंगामा कर रहे थे सुबह, तो इनका एक लेटर बनवा के भेजा है सीएमओ मैडम के लिए, कठोर कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, कि पहले भी इस तरीके की घटना संज्ञान में आ चुकी है इनकी। किस पद पर है यहाँ पे? कब से हुई है आपकी यहाँ पे? नाम क्या है इनका? की आपने ड्रिंक कर रखी आपने? और कैसे? और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।